अब हम न्यूज़ चैनल से, जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है कि दिल्ली में बर्ड फ्लू की बीमारी फैली हुई है, और पिछले दिल्ली सरकार ने भी गाजीपुर मंडी को 10 दिन से बंद करने के ऑर्डर कर दिए हैं, और काफ़ी सख्ताई के साथ हो रहा। मुझे सूचना मिली थी रामा गार्डन गली नंबर 4 में कुछ पक्षियों के मरने की सूचना मिली थी। जैसा कि हम मौके पहुँचे हैं और कुछ जन हमारे बीच में हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस विषय में। क्या कैसे पता चला आपको कि इतने पक्षी मरे पड़े? मैं अभी जॉब से आया हूँ, तो मैंने देखा जैसे हमने अपनी गाड़ी लगाई है यहाँ पे और हम उतर के आए हैं, तो हमने देखा कि ये गाड़ी के नीचे एक पक्षी मरा पड़ा है यहाँ पे, और एक गली में यहाँ पे, आओ मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। और एक आगे ऐसे ही रोड पे, और हम जैसे रास्ते में से आ रहे हैं, हम गाज़ियाबाद से आ रहे हैं, तो गाज़ियाबाद से आते हुए मैंने कई पक्षी देखे जो रोड पे पड़े हुए हैं मरे हुए। तो ये जो बर्ड फ्लू है ये बहुत ही ख़तरनाक है, और हमें इससे बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। और मेरे जितने भी भाई हैं, मैं चाहता हूँ कि जो भी मांस का सेवन करते हैं, जो मुर्गा मच्छी ये सब खाते हैं, वो प्लीज़ इसको अवॉइड करें थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करें, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि मैंने न्यूज़ में सुना है और मैंने रेडियो पे भी सुना है कि ये ह्यूमंस के अंदर भी एंटर कर सकता है ये वायरस, बट अगर हम इसको अवॉइड करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। तो इंसान इसकी गिरफ्त में किस प्रकार आ सकते हैं? इंसान इसकी गिरफ्त में, ज़्यादातर वैसे नॉर्मल लोगों को इससे ख़तरा नहीं है, जो लोग पोएट्री वगैरह में काम करते हैं, जो ये मुर्ग जो जहाँ पे इनका पालन पोषण होता है पक्षियों का, तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये लोग उनसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और अगर एक बार ये ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाए तो फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ये एंटर कर सकता है बड़ी इजीली। बट अगर हम इससे सेफ रहना चाहते हैं तो हमें इसके सेवन से बचना होगा, यही बस एक इसका इलाज है। आसपास के लोगों में कोई दहशत, कोई गम ज़्यादा माहौल नहीं, ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, क्योंकि लोग ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। बट मैं यही कहना चाहूँगा, जनता से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि लोग इसको नोटिस करें और अपने आसपास ध्यान रखें, और अगर कोई ऐसे पक्षी जैसे गिर जाते हैं तो उनको उठा के आप दबा दीजिए, ताकि कोई और लोग उसका मिसयूज़ ना कर पाए। जैसे कुछ जानवर होते हैं उसको खा पी लेते हैं, तो वो उसको ऐसे ना कर पाए। मैं भी तीन पक्षियों को सुबह से दबा चुका हूँ अभी तक, तो बस यही है। द आवाम भी न्यूज़ चैनल आपसे अपील करता है कि दिल्ली में सावधानी बरते, सभी दिल्ली की जनता सावधानी बरते, और मीट वगैरह और अंडा वगैरह का सेवन